जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की कंटेंट से हमने अकाउंटिंग रेशियो की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी डीके गोल्डर की बुक से, जहां क्वेश्चन नंबर 68 तक कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 69 की, जहां पर एक कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 times। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, मतलब ओपनिंग वाली इन्वेंट्री जो भी रही होगी क्लोजिंग उससे 4000 ज्यादा है। यानी इन्वेंट्री अगर ओपनिंग की 10 है, ओपनिंग स्टॉक अगर 10 है तो क्लोजिंग 14000 है, ओपनिंग अगर 20000 है तो क्लोजिंग 24000 है, ऐसा लिखा हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ सभी का सभी क्रेडिट है 3 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 25% पर दिया है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर, इसका मतलब क्या, हम रेवेन्यू पर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें 25/125 करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन 50000, क्विक रेशियो दिया 1:1। चलो इतनी सारी चीजें निकालनी है, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है जिसके लिए हमें जीपी निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो होता है जीपी अपॉन रेवेन्यू इंटू 100, ठीक है। बट क्वेश्चन में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पर है 25%, कॉस्ट गायब है क्वेश्चन में क्योंकि वो तो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में जो 25/100 करते हैं, अब वो 25/125 करेंगे क्योंकि हम कॉस्ट को मानेंगे 100, जो चीज गायब हो रही है उसे कितना मानेंगे 100, प्रॉफिट दिया हुआ है 25 तो रेवेन्यू कितना आएगा दोस्त 125। अब रेवेन्यू दिया है क्वेश्चन में 3 लाख रुपए इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 60000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो आएगा, रेवेन्यू में से 3 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे 60000 रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आएगा 240000 रुपए, 240000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ओपनिंग और क्लोजिंग जो कैसे निकालोगे आप, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है उसकी मदद से। आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए बस, सारे जो जो चीजें दी हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 5, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया 2,40,000 और एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं। एवरेज इन्वेंट्री की जगह वर्ड लिख लेंगे एवरेज इन्वेंट्री, इसको ऊपर करेंगे और 2,40,000 को नीचे करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 5×4=20, 48,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गया दोस्त 48,000 रुपए। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन में, सर कैसे शुरू करें। एक बार मेरे साथ साथ करोगे और एक बार आप खुद से करोगे आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अरे सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैसे पता है, हमें दिया ही नहीं है, तभी तो निकालना है मेरे बच्चे। 4000 मोर देन द ओपनिंग, यानी ओपनिंग का नाम ओपनिंग है या के मान लो जैसा आपका मन करे, और क्लोजिंग का नाम है ओपनिंग प्लस 4000 डिवाइडेड बाई 2 48,000। इधर का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 96,000, ओपनिंग प्लस ओपनिंग 2 ओपनिंग प्लस 4000, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 ओपनिंग इक्वल्स टू 92,000, ओपनिंग इक्वल्स टू 92/2 46,000। ओपनिंग कितना आ गया दोस्त, एक बार ओपनिंग आ गया तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा 46 + 4, तो कितना ना ओपनिंग प्लस 4000। सर अगर एक्स मान कर करो, एक्स मानो वाई मानो, आपको याद आती हो तो आप मानते रहो उसे, के मानोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सही है, 46 सही है, 50 सही है। अब कोई कैसेट्स की बात कर रहा है निकालने के लिए, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, सर करंट लायबिलिटी दी हुई है और क्विक रेशियो दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्योंकि 1:1 है तो QA कितना आएगा, CL के बराबर, जितनी CL है, CL 50,000 रुपए, तो QA भी
50,000 हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 50,000, ये भी आपका सही है। करंट एसेट पूछ रहे हैं, करंट एसेट का फर्क, करंट एसेट और क्विक एसेट में किस चीज का फर्क होता था? सर इन्वेंट्री का फर्क होता था, और जो इन्वेंट्री होती थी वो होती थी हमारी क्लोजिंग वाली। कहाँ गई वो, कहाँ गई? जो फर्क होता था वो इन्वेंट्री का होता था करंट एसेट और क्विक एसेट में। इसका मतलब करंट एसेट में 46,000 वो 50,000 तो क्विक एसेट का है, जो 50,000 दिया हुआ है करंट लायबिलिटी के बराबर, प्लस कर दो इसमें दोस्त क्लोजिंग स्टॉक को, और ये रहा 50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जोड़ दो 50,000, 1,00,000 रुपए की आ जाएगी आपकी करंट एसेट। रिविजन के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर कर जाना चाहिए आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, जो बोलता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसके बाद बताना है कब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आराम से निकालिए फॉर्मूले के हिसाब से। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो जुड़ जाएगा, बट कोई भी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, जो कि है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, दोनों को मिला के 80,000, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज स्टॉक आएगा आपका 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए। ओपनिंग में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, 2,60,000 माइनस 60,000 दैट इज 2,00,000 रुपीज, डिवाइडेड बाई 40,000, ये आएगा 5 times आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपका 5 times आ गया दोस्त। अब हमें एक एक कर केसेस शुरू करने हैं यहां पर, जिसके बेसिस पर आपको इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज देखना है। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से गुड्स परचेज हो रहे हैं 40,000 रुपए के, गुड्स परचेज किए जा रहे हैं 40,000 के हिसाब से। चलिए गुड्स परचेज हो रहे हैं 40,000 रुपए के, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर और एवरेज इन्वेंट्री पर? तो जो पहले से कैलकुलेट कर रखी है वो तो आपके काम की है, ये दैट इज 2,40,000। अब आप इस पॉइंट को समझना, अगर आप गुड्स परचेज करोगे, मतलब ये होने के बाद, पहले तो जो था वो ठीक है, अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका परचेजेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जो 2,40 है वो 2,80 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और ये गुड्स आप बेचोगे नहीं क्योंकि लिखे नहीं अभी तक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल होगा। इसका मतलब जो आपका 2,40 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसमें 40 जोड़ेंगे हम परचेज की खातिर और 40 ही घटा लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री खातिर। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये 40 से बढ़ जाएगा, परचेज भी बढ़ेगा 40 से, क्लोजिंग इन्वेंट्री अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0+0-। नीचे की बात करूं मैं तो पहले जो ओपनिंग स्टॉक 20 था वो तो 20 ही रहेगा, पर जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60,000 रुपए था यहां पर, उसमें 40 और बढ़ जाएगा, तो 20 प्लस 60 की जगह 20 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60,000 रुपीज, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारा, एवरेज इन्वेंट्री हमारी 60,000 रुपए। सर एक बार और समझा दीजिए, कम समझ में आया भाई। 20,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक था, पहले आप क्लोजिंग स्टॉक ले रहे थे 40,000, वो 60,000 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब 40 से और खरीदारी कर लिया आपने, तो 60 हो जाएगा 1,00,000, 1,00,000 20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाई 2, दैट इज 60,000। 2,40 प्लस 40 2,80 माइनस 40, ये 2,40 का 2,40 ही रह गया, ये 60,000 का 60,000 आ गया। पहले 40 था एवरेज इन्वेंट्री दोस्त, क्योंकि 20 प्लस 40 अपॉन 2 कर रहे थे, 20 प्लस 60 अपॉन 2 कर रहे थे, इस बार 20 प्लस 1,00,000 क्योंकि 40,000 से हमारा स्टॉक और बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस परचेजेस। तो 4 times आएगा आपका, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा आपका रेशियो, पहले 5 times था 4 times है। वो ये नहीं बता रहा कितना डिक्रीज, हम तो ये भी बता दे रहे कितना डिक्रीज होगा, ठीक है, वो सिर्फ पूछ रहा है इंक्रीज डिक्रीज, हम सॉल्व कर इसको आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स पर 25,000 कॉस्ट 30,000,
अब ये मत सोचना कि ये गुड्स 40 की खरीदे 25 के, नहीं, वही 2.40 ही रहेगा पहले वाला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो पहले था 2.40 वही रहेगा। आपने इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में से बिक्री कर दी, मतलब 30,000 का सामान 25 में बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 30,000 से। सर सेल्स को प्लस करो 25,000। अरे मेरे बच्चे, ये कोई करंट रेशियो थोड़ी ना है जो सेल को प्लस करूं, इट इज नॉट अ करंट रेशियो। मेरी बात समझो आप, यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सिर्फ तीन चीजें आती है, ओपनिंग स्टॉक तो बदलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, परचेजेस और क्लोजिंग। कभी परचेजेस में चेंज आएगा, कभी क्लोजिंग में, कभी दोनों में। यहां पर आप गुड्स बेच दे रहे हो, मतलब आपने 30 मार्च को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट किया ये सोच करके आपको ग्राहक नहीं आया 31 को, 31 को एक और ग्राहक आ गया तो अपना इन्वेंट्री कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई, सामान बिक जाएगा। पर सर 25 का बिक भी तो रहा है। अरे भाई बिक रहा है वो कैश में बढ़ेगा मेरे बच्चे, डेटर बढ़ सकता है उससे, पर क्या इन्वेंट्री बढ़ेगा इससे? क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ेगा? नहीं, इन्वेंट्री आपका कम हो जाएगा। सिमिलरली जो ओपनिंग स्टॉक आपका 20 था वो तो 20 ही रहा, पर जो क्लोजिंग 60 था वो 60 ना रहकर 30 रह गया। क्यों? क्योंकि 30 का इन्वेंट्री हट गया, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री हो गया 25,000 रुपए। तो ऊपर आएगा 210 और नीचे रहेगा 25,000। 30 से 30 उड़ा दो, 8.4 times इंक्रीज होगा आपका रेशियो। देखो आंसर में क्या बोल रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, सिंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू वे इंक्रीजेस, COR बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया, वेयर एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज, एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? एक मिनट, गलती हो गई, ये माइनस करना था ना क्लोजिंग, एक मिनट रुको, ओपनिंग स्टॉक 20,000 और ज्यादा हो जाएगा। परचेजेस था हमारा पूरे क्वेश्चन में 2.40, क्लोजिंग जो हमारा 60 था उसकी जगह 30 रह गया, तो 260 माइनस 30 230,000 रह जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये 25 निम्मे 225, 9.2 times आएगा। गलती हो गई है, अभी मैं सुधार दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोबारा कराऊंगा इस चीज को, किस तरह प्लस माइनस करते हैं आप। पॉइंट नंबर सी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हम ये माने कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? पहले थी 60, हमेशा कोई पुरानी वाली माननी है, अब 60 की जगह 20,000 से घट रही है, यानी 40 रह जा रही है उसकी वैल्यू, तो रेशियो तो बेसिकली मेरे की समझ से बढ़ना चाहिए, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री घटेगी आपकी, पहले 40 थी 25 थी 30 हो गई है। तो ओपनिंग दोस्त 20, देखो पहले वाले में ये गलती कर दी थी, परचेजेस सेम ही रहेगा 2.40, बस क्लोजिंग जिसको 60 मानते थे वो 20 से घट गया, 60 मानते थे वो 20 से घट गया या 40 आएगा, और एवरेज इन्वेंट्री पर निकाल कर दिखा दिया 20 + 40/2 30,000। ऐसी गलती हो गई थी पहले वाले क्वेश्चन में, 260 - 40 220,000, 220,000/30,000 7.33 times आएगा, यानी अगेन रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। थर्ड वाले केस में भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो जब डिक्रीज हुई थी वैल्यू इन्वेंट्री की तो रेशियो बढ़ा था, अब इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री की वैल्यू तो रेशियो घटेगा, रिड्यूस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। चलो और लास्ट वाला है आपका, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जिस तरह सेल हुई थी उसी तरह गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक सेम का सेम 20,000, परचेजेस 2,40,000। अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 8,000 की इन्वेंट्री रहेगी तो 5,000 से कम हो जाएगी 55,000, और अगर ये 55 रहेगी तो एवरेज में भी चेंज आएगा, 55 + 20 = 75/2 यानी 37,500 रुपए की एवरेज इन्वेंट्री। तो 2.40 - 260 - 260 - 55 205,000/37,500 काटा पीटी करेंगे तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ऊपर 25 अट्ठे 282 15 7 = 75 7 point कुछ टाइम्स आएगा, अगेन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सभी तरीके के मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, बट एक बार कर जाएंगे अगर आपके 3 से 4 mark में आता है तो। ट्रेड रिसीवर टर्नओवर रेशियो निकालिए सर, सिंपल, कैश रेवेन्यू दिया 3.40, क्रेडिट दिया हुआ 6 lakh, ओपनिंग ट्रेड 75 और ट्रेड क्लोजिंग ट्रेड 125, बहुत आसान है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले सभी लोग। कौन सी सेल्स आती है, कैश या क्रेडिट? सर क्रेडिट रेवेन्यू ऊपर,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे, क्रेडिट रेवेन्यू में कितना डालूं, 3,40 या 6 लाख, 6 लाख रुपए। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, 75 प्लस 1,25 अपॉन टू यानी 1 लाख रुपए, दैट इज 6 टाइम्स। यह आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका 6 टाइम। बहुत आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू किया मैंने एवरेज ट्रेड निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 72 कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड हुआ, एवरेज इन्वेंट्री पीरियड हुआ, इसमें कुछ भी नहीं करते, सिर्फ 365 से टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। पर सारी मजेदार बातें हैं यहाँ पर। टोटल रेवेन्यू दिया हुआ दोस्त 12 लाख रुपए क्वेश्चन में। क्रेडिट रेवेन्यू जो है वो 70% है टोटल रेवेन्यू का, यानी इसका 70% मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल आएगा। इसके बाद जो भी सेल्स रिटर्न है वो 40,000 है, यानी जो भी क्रेडिट रेवेन्यू निकलेगा उसमें से 40,000 और घटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए होता है। ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्या चीज डालू, नेट क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्रेडिट रेवेन्यू, नेट क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल्स टू 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 70%, दैट इज 8,40,000। माइनस कर देंगे हम इसमें से 40,000 रुपए का सेल्स रिटर्न, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपए। नेट क्रेडिट रेवेन्यू की जगह रखेंगे 8 लाख। एवरेज कैसे निकालोगे दोस्त आपका, ओपनिंग 73,250,86,750 दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टू, 8 × 7 = 15, 1,60,000 डिवाइडेड बाई दो, दैट इज 80,000। 8 लाख डिवाइड बाई 80,000 10 टाइम्स आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्या करना है आपको, जो भी टर्नओवर रेशियो है उसे 365 से डिवाइड दे दो। टर्नओवर रेशियो आपका है 10 टाइम्स, 36.5 डेज में आपका पैसा आपके घर आ जाता है, या 37 दिन 37 डेज राउंड ऑफ के लिए। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। टोटल रेवेन्यू है 4,80,000, कैश रेवेन्यू है 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू का। हमें जरूरत है क्रेडिट की, हमें जरूरत किस कौन से रेवेन्यू की है, क्रेडिट रेवेन्यू की। पर क्रेडिट रेवेन्यू ना देकर पिछले क्वेश्चन की तरह बोल रहा है कैश रेवेन्यू 20% है क्रेडिट का। हम एक चीज जानते हैं, कुछ जाने ना जाने, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, ये जानते हैं। कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू जो है क्रेडिट का 20% है, यानी जो भी नहीं दिया है क्रेडिट को के मान लो, तो कैश कितना हो जाएगा 0.2 के। लेट क्रेडिट रेवेन्यू बी के, क्रेडिट रेवेन्यू कितना है के, कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा 0.2 के, टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल रेवेन्यू की वैल्यू रख लो 4,80,000। यहां आएगा 1.2 के इक्वल्स टू 4,80,000 के इक्वल्स टू 4,80 / 0.2, 0 से 0 उड़ जाएगा, 12 × 4 = 48, 1, 2, 3, 4, 5 के आ जाएगा 4 लाख। और के अगर 4 लाख आएगा
वैसे तो जरूरत हमें के की है क्रेडिट रेवेन्यू की, तो कैश रेवेन्यू आपका 80,000 आ जाएगा, 0.2 के है। क्रेडिट रेवेन्यू 4 लाख आएगा, तो कैश रेवेन्यू कितना आएगा, 80,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू तो है हमारे पास 4 लाख, बात है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा। सर ओपनिंग तो दिया है 60,000, क्लोजिंग के लिए बोला है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग। क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है, यानी ये 60 है और वो 60 प्लस 30 90 है, 60 प्लस 90 डिवाइड बाई 2। सर ये 90 है कैसे पता चला, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग। ओपनिंग अगर 1 रुपया है तो क्लोजिंग 1 रुपया 30, 1 रुपया में 30,000 और जोड़ो, 30,000 1 रुपया है, 60,000 दिया हुआ है, 30,000 जोड़ दिया गया, 90,000 एवरेज रेवेन्यू एवरेज ट्रेड आएगा 75,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 5 से काटेंगे 80, 5 से काटेंगे 25, कुछ गलती तो नहीं हो रही। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड ओवर ओपनिंग ट्रेड से 30,000, 60 प्लस 90 1.5 लाख, सही तो है। 5 8 जा 40, अरे यार 15 आएगा नीचे, 5 से काटा है मैंने, 3 से थोड़ी ना काटा है। 15 और 80, 15 बन जाए 75, 5 बजे 15 3 45, 5.33 टाइम्स एव ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया 5.33 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताइए, 365 से डिवाइड देते हैं हम इसमें, 365 डिवाइड बाई 5.33, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दो ऊपर, 533 से काटा बेटी करेंगे, तो 533 × 5 × 5 × 7 आ जाएगा 73 के आसपास डेज आएंगे वैसे, ठीक है 72 या 73 आएंगे, 69 आ रहे हैं सर। चलो भाई एक बार कैलकुलेशन कर लेना अपने कैलकुलेटर से आप लोग, अगले वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 74 से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।